नमस्कार, स्वागत है आपका टैशबुक.com में। यूपी ट्रिपल एस यानी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने आईटीआई इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इसमें जो वैकेंसी काउंट है काफी बंपर है, बहुत बड़ी वैकेंसी यहां पर निकली हुई है और हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ जिन पर हम आगे इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है, उसके बाद हम जानेंगे इसका वैकेंसी काउंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस। और इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। और हम शुरू करें इस नोटिफिकेशन का डिस्कशन, उससे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस तरह के एग्जाम्स की उन तक ये जानकारी पहुंच सके और अगर वो एलिजिबल है तो इसके लिए समय रहते अप्लाई कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है uptriplesc.gov.in। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप ये नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 2504 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था जो वैकेंसी का नंबर है वो बहुत ही बड़ा है, बंपर वैकेंसीज है, 2504 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा, उस डिटेल्स के हिसाब से अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इसमें आप अप्लाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि एक स्टेट के एग्जाम के हिसाब से देखें तो 2500 से ज्यादा वैकेंसीज एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत ही ह्यूज नंबर है। तो इसमें आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कीजिए। उसके बाद देखिए यहां पर आपका इंपॉर्टेंट डेट्स, 18 जनवरी 2022 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 8 फरवरी 2022 तक चलने वाली हैं। तो आप 18 जनवरी से 8 फरवरी 2022 तक अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपके पास 21 से 40 साल, मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 40 साल मांगी गई है। आपने 10th क्लास विद आईटीआई और रेलिवेंट ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा और जो एक्सपीरियंस वगैरह मांगी, सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपके पास होने चाहिए। जब हम नोटिफिकेशन चलेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। सैलरी देखिए बेसिक पे आपकी 35,400 रहेगी और इसमें आपको मिलेंगे ढेर सारे अलाउंसेस। तो यहां पर जो सैलरी है ना वो आपकी 50-55 हजार के ऊपर ही मानिए, आप ऊपर ही रहेगी, क्योंकि आपका 35,400 बेसिक पे है, 31% आपका डीए हो गया लगभग 14,000, तो 49-50 हजार सैलरी तो आपकी ऐसे ही होगी। फिर एचआरए वगैरह आपको मिलेगा तो आपकी सैलरी 50 के ऊपर ही यहां पर रहेगी। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पर होगा। पहले देखिए आपका जो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका वैलिड स्कोर आपके पास होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने जो उत्तर प्रदेश का 2021 में जो पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था वो उसका वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए और फिर आपका एक रिटन एग्जाम होगा, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और अब चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 18 जनवरी से 8 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो आप 15 फरवरी 2022 तक कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहां पर है, अनुदेशक मुख्य परीक्षा में हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 में सम्मिलित हुए हो और उनके पास वैलिड स्कोर कार्ड हो। तो अगर आपको इसमें अपीयर होना है तो आपके पास पीईटी 2021 का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, यह चीज आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपके आवेदन की प्रक्रिया वगैरह बताई हुई है, इसको आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। हम जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहां पर जानते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन फीस यहां पर दी हुई है, हर कैटेगरी के लिए सेम एप्लीकेशन फीस है। हाँ, अब देखिए 2504 वैकेंसीज हैं यहां पर, टोटल 1042 वैकेंसीज जो हैं वो हैं आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 211 वैकेंसीज हैं आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए और 681 वैकेंसीज हैं आपकी ओबीसी कैटेगरी की और 570 वैकेंसीज हैं आपकी एससी एसटी कैटेगरी की। तो वैकेंसीज जो है बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर आप ठीक ठाक वैकेंसी नहीं बोल सकते हैं, इनको बहुत ही बेहतरीन बढ़िया वैकेंसी का नंबर बोला जाएगा। और 35,400 जो है वो आपके बेसिक पे है, इसमें अलाउंसेज आपको अलग से मिलेंगे, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो ये आपका वैकेंसी हो गया। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है उनके लिए 21 वैकेंसी रिजर्व है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 70, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 460 और एक्स सर्विसमैन के लिए 95 वैकेंसी यहां पर रिजर्व रखी गई हैं। उसके बाद देखिए आपकी सिलेक्शन, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की हो। उसके बाद देखिए नीचे जो है वो सारी जानकारी दी हुई है,
बाकी क्वालिफिकेशन की जो मैं आपको नीचे बताऊंगा चल के, जब हम चलेंगे नोटिफिकेशन के सबसे आखिरी पेजेस में, तब मैं आपको बताऊंगा एज लिमिट 21 से 40 साल, मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल यहां पर रखी गई है। एज लिमिट में जो आपका रिलैक्स जो आपका रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और एज लिमिटली कट ऑफ डेट है 1 जुलाई 2022, यानी 1 जुलाई 2022 को जो आपकी एज लिमिट होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। सिलेक्शन कैसे होगा, एक तो आपने पैट का स्कोर आपके पास होना चाहिए वैलिड, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम कैसा होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा यहां पर, इसमें रिटन एग्जाम का पैटर्न नहीं दिया हुआ है शायद। ये सारे फॉर्मेट है। अब ये देखिए आपकी ट्रेड आगे किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर फिटर की 146 है, वेल्डर की आपकी 149 है, इस तरह से सारी वैकेंसीज दी हुई है, इलेक्ट्रीशियन की 228 है। तो ये सारी वैकेंसी जो है देखिए इन्होंने पीडीएफ जो है इसको सीधा नहीं है, तो आप ये चीजें आप पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा। हम देखिए यहाँ पर फिटर की 479 वैकेंसीज है, यहाँ पर 479 यहां पर आपकी फिटर की वैकेंसी है। इसमें क्या है आपके साथ एक साल एक आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस हो, उसके साथ साथ आपने मानता प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज से व्यवसाय स्नातक या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली हो या उसके समकक्ष आपने कुछ किया हो। इसी तरह वेल्डर में आपका है सेम है आपकी रेलिवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री, एक साल का अनुभव, आपका AICTC UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग की डिग्री या उसके समकक्ष कुछ हो। तो यहां पर आपकी देखिए हर ट्रेड के लिए अलग अलग इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो ये आप जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो अप्लाई होनी चाहिए, जिस होनी चाहिए आपके पास। और कुछ में इंजीनियरिंग की डिग्री के अलावा भी बाकी है, जैसे व्यवसाय स्नातक मैकेनिकल मेटलर्जी इंजीनियरिंग में उपाधि हो या उसके समकक्ष कुछ आपके पास हो, आप ये जो क्वालिफिकेशन डिटेल में नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने आपको यहां पर सारे बता दिए हैं, बाकी जानकारी रिजर्वेशन वगैरह की वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी, आप एक बार नोटिफिकेशन को चेक कीजिए, आपको सारी जो जानकारी है वो यहां पर मिल जाएगी। रिटन एग्जाम देखिए आपका जो है 100 नंबर का होगा, रिटर्न एग्जाम जो है वो आपका 100 नंबर का यहाँ पर होने वाला है, मेंशन भी है। तो ये थी जानकारी इस नोटिफिकेशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन की जो जानकारी थी वो तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन किसी एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो टेक्स्ट बुक पास है इसमें आपको आपके सभी एग्जाम रेलवे बैंकिंग SSC सभी एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके 450 तरह एग्जाम्स आते हैं और इसमें आपको मिलते हैं 31,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और मेरी तरफ से आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, गिफ्ट है, और वो ऑफर वो गिफ्ट है ये टेस्ट बुक पास, इस एक पास के वो गिफ्ट है ये कूपन कोड। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा। कूपन कोड आपको यूज करना है CMPASS 15% के डिस्काउंट के लिए, और पास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप टेस्ट बुक पास का जो पेज है उस पर रिडायरेक्ट हो गए हैं, यहां पर पूरी जानकारी है, 460 प्लस एग्जाम है आपके, 32,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है, 9,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर है, और राइट हैंड साइड में प्लान दिए हुए हैं, ईयरली टेस्ट बुक पास है 399 का, लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास है 599 का, और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है गेट एक्साइटिंग ऑफर इनसाइड, अप्लाई कूपन, अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिए, कूपन अप्लाई करने का बॉक्स आ गया, यहां पर कूपन कोड डालिए CMPASS और अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप सीएम पास कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपका डिस्काउंट भी अप्लाई हो गया है, तो ईयरली टेस्ट बुक पास हो गया आपका 340 का, यानी 59 रुपीज का आपको सीधे सीधे डिस्काउंट मिला है, और लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास कर आपको 89 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। तो इस ऑफर का फायदा उठाइए, घर बैठे अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, कूपन कोड यूज करना है CMPASS 15% के डिस्काउंट लिए। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, सब तक ये जानकारी पहुंच जाए और वो लोग भी अपने एग्जाम की तैयारी कर पाए। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और सभी अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।